गुड मॉर्निंग। आज सभी लोगों को पता ही है शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस है। शहीद आजम भगत सिंह का मुख्य नारा था इंकलाब जिंदाबाद। क्या था इसका मतलब क्या है? जो मौजूदा समाज की, देश की, सरकार की, बाकी चीजों की व्यवस्था है उसके अंदर आमूलचूल परिवर्तन, परिवर्तन का नाम इंकलाब है। इंकलाब का नाम क्या है? परिवर्तन, चेंज होना। जैसे आम आदमी के नहीं सुनी जाती, आम किसान के नहीं सुनी जाती, आम छात्र के नहीं सुनी जाती, तो वो चाहते थे कि देश की व्यवस्था में आम लोगों की हिस्सेदारी हो। वो वोट के रूप में है लेकिन वो बहुत नगण्य है। वोट लेने के बाद लोग बदल जाते हैं और ऐसा देश की आज़ादी से और आज तक ये काम होता रहा। देश पहले था अंग्रेजों का गुलाम। अंग्रेजों की गुलामी के अंदर देशवासियों को बहुत सारी दिक्कत थी। उन दिक्कतों को देखते हुए बहुत सारे लोग आगे आए कि हमारी इस देश की समस्याओं का कारण है दूसरे देश के लोगों की यहाँ पर राज होना। तो दूसरे देश के लोगों के राज को खत्म करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने अपना जीवन न्योछावर किया और इसलिए आज भी उन लोगों को याद किया जाता है। उन्हीं के संघर्षों और बलिदानों के कारण आज हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं और हम अपने अधिकारों के लिए बोल भी सकते हैं, आवाज़ भी उठा सकते हैं और लड़ भी सकते हैं। हमें आज के टाइम पर बम और गोले की ज़रूरत नहीं है, आज के टाइम पर ज़रूरत है विचार की। शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि भारतीय क्रांतियों का वैचारिक पक्ष हमेशा कमज़ोर रहा है, देश के नौजवानों को पढ़ना चाहिए और पढ़ना चाहिए और पढ़ना चाहिए। यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। भगत सिंह को बहुत लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा, चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा। जिन लोगों ने देश के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया, अपनी जमीन जायदाद सब चीज़ें लगा दी, तो वे लोग क्या सोचते थे, उनका विचार क्या था और हमारे विचार क्या होने चाहिए। जैसे वे भी अपने देश से प्यार करते थे, वे भी अपने आप से प्यार करते थे, हम भी अपने देश से प्यार करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं। अगर देश में पढ़ाई की व्यवस्था बढ़िया होगी तो हमारा फ़ायदा, अगर देश में सड़क अच्छी होंगी तो हमारा फ़ायदा, अगर देश में भ्रष्टाचार नहीं होगा तो हमारा फ़ायदा, अगर यहाँ पर भर्तियाँ सही होंगी तो हमारा फ़ायदा। तो हम लोग सभी और वे लोग भी सभी अपने देश के लिए, अपने जीवन के लिए, इन सब चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए संघर्ष में थे। आज भी वो लड़ाई जारी है और उसी लड़ाई को हम लोग सांकेतिक तौर पर शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस और उनके शहादत दिवस के साथ जोड़ते हैं। पहले हम लोग जो सोच नहीं रहे थे कि इस प्रकार का कार्यक्रम करेंगे, लेकिन एक कार्यक्रम हो रहा है शहर में तो हमें उसकी स्ट्रेंथ बननी चाहिए, उसकी मजबूती बननी चाहिए। तो हम सभी लोग जो स्कूल के बच्चे हैं और जो कंपटीशन के बच्चे हैं, इट इज नॉट कंपलसरी फॉर एनीवन, लेकिन अगर आपके मन में है ये श्रद्धा कि हमें भी उन शहीदों के जन्म दिवस पर, शहादत दिवस पर और बाकी चीजों पर उनके कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहिए ताकि देश में, युवाओं में, जनता में जागृति आए कि वे विचार अभी मरे नहीं है, जिंदा हैं और वे विचार अब भी काम कर रहे हैं। और जब तक देश के अंदर सारी चीजें बहुत बढ़िया नहीं होंगी तब तक इस प्रकार की ताकतें देश में मौजूद रहेंगी और वे न्याय के लिए, वे समाज के लिए, वे देश के लिए, वे युवाओं के लिए, किसानों, मजदूरों के लिए, काम करने वालों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए काम करते रहेंगे और एक मंच हमेशा उनको देते रहेंगे। तो इसी बात के साथ मैं चाहता हूं कि जितने लोग चलने चाहें तो वे चल सकते हैं, तो बाकी लोग जो अगर रहना चाहें तो यहां बैठ करके सेल्फ स्टडी कर लेना। सभी लोग चलोगे तो हम यहां से चलेंगे, यहां से तिरंगा चौक तक। कहां तक चलेंगे? तिरंगा चौक से, फिर वहां से बसों की व्यवस्था, वहां से हम जाएंगे ब्राइट स्कॉलर स्कूल में, वहां पर शहीद आजम भगत सिंह के पोते आए हुए हैं, उनके साथ हम लोग वहां पर जो है कार्यक्रम करेंगे और फिर उसके बाद वापस आएंगे। यहां पर लगभग 12 बज जाएंगे, 12 बजे तक, उसके बाद अपनी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो एक बार जितना ताकत तुम्हारे अंदर उतनी ताकत के साथ जवाब देंगे, इंकलाब जिंदाबाद। मैं बोलूंगा इंकलाब जिंदाबाद, तुम लोग बाद में बोलना जिंदाबाद जिंदाबाद, ये नारा बोलना होता, इंकलाब जिंदाबाद।
इंकलाब जिंदाबाद, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे।